नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल फैंटेसी विन प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों, मैं आप जो मैच कवर करने वाले हैं, बैजिस एमसीएल टी20 का सातवां मैच है जो कि दोस्तों पे खेला जाएगा। सीएचसी वैसे केसीसी टीम्स के भी डिप्लेंस करेंगे इस वीडियो में फुल स्टेस पोजन पो। दोनों टीमों के एक एक प्लेयर के स्टार्ट अकॉर्डिंग टू बैटिंग ऑर्डर से आपको बता दूंगा। इस मैच का टीम कॉम्बिनेशन क्या रहने वाला है हमारा, वो भी आपको इस वीडियो से मिलने वाला है। दोस्तों, वीडियो लाइक करके अपने शुरुआत करना। फाइनल अपडेट और फाइनल टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, तो अपने जल्दी से आके हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। लिंक आपको मिल जाएगा इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट पे पिन किया हुआ लिंक पे क्लिक करके तुरंत आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों, कभी कभार इस लिंक वर्क ना करें तो आप टेलीग्राम पे सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे जाकर सर्च करें @realFWP, आपको फैंटेसी विन प्रेडिक्शन का चैनल दिखेगा। 15,000 के आसपास सब्सक्राइबर का चैनल होगा, वही हमारा एकमात्र रियल चैनल है, उसी चैनल को आपने ज्वाइन करना। दोस्तों, बात कर लेते हैं मैच की। तो मैच मॉर्निंग में सुबह 9 बजे से स्टार्ट होगा और दोस्तों मैच होने वाला है सौखा क्रिकेट ग्राउंड के अंदर मैच खेला जाएगा। यदि बात करें दोस्तों मैं एक विकेट की, तो ओवरऑल विकेट बैलेंस बन के अपनी टीम क्रिएट कर सकते हो। हालांकि दोस्तों यहाँ पे बॉलर्स को एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है, स्कोरिंग यहाँ पे उतना ज़्यादा ईजी है नहीं। स्कोरिंग की बात करें तो आपको यहाँ पे 120 से 140 के बीच स्कोरिंग देखने को मिल सकती है। पहले दोस्तों हम बात करेंगे सीएचसी टीम्स की। तो इस टीम ने 2 मैच इस टूर्नामेंट में खेले हैं, दो के दोनों मैच टीम जीत के आ रही। इनकी तरफ से आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे लाल मंगैया एम और ऐसे लाल हुलाचेला एम। बात करें दोस्तों मंगैया एम की, लास्ट गेम में उन्होंने 41 किए थे, उसके पहले 4 रन का स्कोर किया। ओवरऑल स्टेट्स देखेंगे तो 33 गेम के अंदर 806 रन है, 21 का बैटिंग एवरेज है। राइट लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, ऑफब्रेक बॉलिंग भी करना जानते हैं लेकिन ज़्यादा बॉलिंग नहीं कराते हैं, कि तरह से आप कह सकते हैं बैटिंग ऑलराउंडर है और पार्ट टाइम बॉलिंग कभी कभार ही करते हैं। और जब विकेट में थोड़ा और स्पिनर्स को टर्न मिलने लगेगा तब भले ही कुछ ओवर की बॉलिंग कर जाएँ, लेकिन अभी एज अ बैट्समैन ही खेलेंगे। तो अपनी टीम में एज अ प्लेयर आप ट्राई करिएगा, कैप्टन और कैप्टन मत बनाइएगा, कि काफ़ी अटैकिंग क्रिकेट खेलने के लिए जाने जाते हैं, जब तक रहते हैं स्कोर करते रहते हैं। इनके साथ ओपन करने आएंगे लाल हुरैचेला एम, राइट हैंड बैट्समैन, राइट हैंड ऑफब्रेक बॉलिंग कराते हैं। पहले मैच में 39 किए थे, लास्ट मैच में 60 रन की इनिंग खेली और दोनों मैचेस में एक एक ओवर का बॉलिंग किया हुआ है, जहाँ पर टोटल 3 विकेट ले चुके हैं और लास्ट गेम में 2 विकेट उन्होंने चटकाए। ओवरऑल स्टेट्स देखेंगे तो वो भी काफ़ी गजब के हैं, 34 मैच के अंदर 1000 के करीब रन है, 29 का बैटिंग एवरेज है और 13 विकेट निकाला है। बहुत ज़्यादा विकेट टेकिंग नहीं है, ऑफ ब्रेक बॉलर है, एक दो बार ही बॉलिंग करेंगे लेकिन विकेट निकाल लें तो बॉलिंग फिर से मिलने के आसार रहेंगे। साथ में दोस्तों आपको ओपन करेंगे और बैटिंग से अच्छे फॉर्म में लग रहे हैं, कैप्टनसी के एक सेफ ऑप्शन आपके लिए रहने वाले हैं। वन डाउन बैटिंग करते हुए दिखेंगे के लाल रूमोथा, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, लास्ट गेम में 5 किए, उसके पहले 57 का स्कोर किया हुआ। ओवरऑल 29 गेम के अंदर 31 के ओवर से 911 रन है, अच्छे पिक रहेंगे। बैटिंग सेक्शन से आप इनको अपनी टीम में रख सकते हैं, क्योंकि आपको वन डाउन बैटिंग करते हुए नजर आएंगे और पहले मैच में इंप्रेस भी किया हुआ है, एक अच्छी विकेट बैटिंग सेक्शन से आपके लिए रहने वाले हैं। टू डाउन बैटिंग करते हुए देखेंगे लाल मछुनौमा एम, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, लास्ट गेम में नॉट आउट 29 की थी, उसके पहले बैटिंग नहीं थी। 36 गेम के अंदर 1200 करीब रन, 37 के ओवर से। बैट फर्स्ट में ट्राई कर लीजिएगा, बैट सेकंड आप इनको छोड़ सकते हो। नीचे देखेंगे दोस्तों सेट के लिए शेलो, राइट हैंड बैट्समैन है लेकिन उतना बैटिंग आएंगे नहीं, लास्ट मैच में 1 रन नॉट आउट किए थे, 5 नंबर के आसपास बैटिंग कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से उतने बढ़िया पिक नहीं रहेंगे। आप चाहें तो इनको अपनी टीम से निकाल भी सकते हैं। नीचे देखेंगे दोस्तों यहाँ पे लाल फगजुला रेंथली, राइट हैंड बैट्समैन, लेफ्ट आर्म पेसर, लास्ट गेम में 3 ओवर डाल के 1 विकेट निकाला, उसके पहले 2 पे 0। ओवरऑल 35 गेम के अंदर 43 विकेट निकला है, साथ में 296 रन है, एक अच्छी पिक रहेगी। हालांकि दोस्तों एक बॉलिंग ऑलराउंडर आप कह सकते हो, आपकी टीम में जरूर होना चाहिए, आपको पूरे 2-3 ओवर की बॉलिंग करते हुए दिखेंगे तो जरूर ट्राई कर सकते हो। नीचे देखेंगे लाल निशंघा, बैटिंग सेक्शन मिलेंगे लेकिन एक प्योर बॉलर आप कह सकते हैं, 2 ओवर की बॉलिंग करी हुई है, 1 विकेट लेने में सफल रहे, आप ट्राई कर सकते हो, ठीक ठाक पिक रहने वाले हैं, 2-3 ओवर की बॉलिंग डाल सकते हैं। नीचे चलेंगे तो दोस्तों आपको दिखेंगे लाल नुकिमा वर्थे, राइट आर्म मीडियम पेस बॉलर, 2 मैच के अंदर 3, पहले लास्ट मैच में लगभग 3 ओवर की, पहले मैच में 2 ओवर डाले, 1 विकेट मिला हुआ है। जीएल के अंदर बहुत अच्छी चॉइस रहेंगे, 32 गेम के अंदर 23 विकेट है, हालांकि बहुत ज्यादा विकेट टेकिंग नेचर के बॉलर नहीं है लेकिन 2-3 ओवर की बॉलिंग करेंगे तो 1-8 विकेट निकाल सकते हैं, तो आप इनको भी अपनी टीम में जरूर ट्राई करिएगा। नीचे देखेंगे दोस्तों बी जोतन शंगा, राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर है, ओवरऑल स्टेट्स देखिए 30 गेम में 70 विकेट हैं, लास्ट पहले गेम में 4 विकेट चटकाए, लास्ट गेम में 1 विकेट मिला, 2 गेम के अंदर 5 विकेट ले चुके हैं, तो इनको भी आप ट्राई कर सकते हो, अच्छी पिक रहेगी, आपको 4 ओवर की पूरी बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे। नीचे देखेंगे दोस्तों यहाँ पे मालसोत लुंगा, राइट आर्म मीडियम पेस बॉलर है, लास्ट गेम में 3 ओवर डाल के 1 विकेट निकाला, उसके बाद 2 पे 0 जीएल ट्राई करिएगा। नीचे देखेंगे दोस्तों जो 11वां प्लेयर इस टीम का रह सकता है वो रहेगा लाल हुतरैलुंगा, लास्ट गेम में 4 ओवर डाल के 1 विकेट निकाला, उसके पहले 4 पे 1, दोनों मैचेस में 4-4 ओवर का कंप्लीट बॉलिंग करा हुआ है, तो इनको आप ट्राई कर सकते हो, थोड़ा कम सिलेक्शन भी है, 4 ओवर की आपको पूरी बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे। मैच में कुछ प्लेयर हैं जो कि कुछ मैच से लास्ट के मैच से नहीं खेल रहे, दिन में से कोई भी प्लेयर लाइनअप में जुड़ेगा तो आप इनके स्टेट्स देख सकते हैं। तो दोस्तों आपके सामने परफॉर्मेंस है सीएससी का, एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 विथ बैटिंग ऑर्डर मोस्ट प्रॉब्ली ये रहना चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मैं पे जो दूसरी टीम रहने वाली है केसीसी की, लेकिन उससे पहले बता दूं मैच का फाइनल अपडेट फाइनल टीम टेलीग्राम पे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन फर्स्ट कमेंट में दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा लास्ट मैच अपडेट और फाइनल टीम के लिए।
दोस्तों जो केसीसी की टीम है इन्होंने भी दो मैच इस टूर्नामेंट में खेले हैं, एक मैच में जीत हासिल किया हुआ, एक मैच में हार का सामना करना पड़ा है। इनकी तरफ से आपको ओपनिंग करते दिखेंगे सी लालडेन सिंघा और ऐसे विकास कुमार। बात करें दोस्तों लालडेन सिंघा की, लास्ट गेम में नॉट आउट 54 की थी, उसके पहले 3 का स्कोर किया, ओवरऑल 37 गेम में 1000 करीब रन 29 के। और ऐसे राइट हैंड बैट्समैन है, आप अपनी टीम में एज ए प्लेयर जरूर ट्राई करिएगा क्योंकि एक तरफ से एंकर करते हैं और लास्ट तक टिके रहते हैं, जबकि लास्ट मैच में 54 रन बना के नॉट आउट थे और अपनी टीम को जीत दिला के ही वापस आए, तो इंपॉर्टेंट रोल रहेगा इनका, फिर से एक बार इनको जरूर ट्राई करिएगा। विकास कुमार राइट हैंड बैट्समैन प्लस विकेट कीपर बोलने वाले, लास्ट गेम में 26 किए थे, पहले मैच में 1 किया, आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे, ठीक ठाक बैट्समैन है, 37 गेम के अंदर 1000 करीब रन है, 30 के एवरेज है, तो इनको भी आप विकेट कीपिंग सेक्शन से पिक कर सकते हो। वन डाउन बैटिंग करते हुए देखेंगे लाल जुटाई लूंगा, राइट आर्म मीडियम पेस बॉलर, राइट हैंड बैट्समैन, लास्ट गेम में 3 विकेट चटका है, उसके पहले 1 विकेट चटका है, 3 से लेकर 4 ओवर की बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे, प्लस वन डाउन बैटिंग करेंगे, कैप्टन के बड़ी ऑप्शन आपके लिए रहने वाले हैं। नीचे देखें दोस्तों एल खेंगे थे राइट हैंड बैट्समैन, दोनों मैच में 13-13 का स्कोर किया, वो 26 के एवरेज है, बैट फर्स्ट में ही ट्राई करिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए, कुछ खास पिक मुझे लगे नहीं। संतोष मुर्मू लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, लास्ट गेम में 9 का स्कोर किया, बॉलिंग ज़्यादा कराते नहीं, तो ये भी कुछ खास पिक नहीं रहेंगे। डैरम सिंघा रेंथली की बात करें, शुरू में पहले मैच में ऊपर खेले थे, 17 किए थे, लास्ट मैच में 10 किए, काफ़ी नीचे खेलने आए थे, 11 का एवरेज भी है, बहुत बड़े बल्लेबाज नहीं है, तो आप इनको भी चाहें तो छोड़ सकते हो, फिर जीएल में आप चाहें तो रोटेशन में रख सकते हैं, 10-15 रन बना सकते हैं, इससे ज़्यादा उम्मीद करना मतलब बेकार होगा, इससे ज़्यादा जल्दी करते नहीं हैं। एक मैच में 17, एक मैच में 10, दो मैच के अंदर आप देख सकते हैं कुल 27 रन का स्कोर किया हुआ है, और वैसे ही करीब एवरेज भी है इनका, तो मेरे हिसाब से कोई बॉलिंग करने के चांसेस भी नहीं है क्योंकि बॉलिंग ज़्यादा ही कराते भी नहीं, तो सिर्फ बैटिंग करेंगे और इतने नीचे तो कोई मतलब विशेष बनता नहीं है। नीचे देखेंगे दोस्तों लालेन सिंघा कुछ मतलब नहीं, इनको भी अच्छा छोड़ सकते हैं। नीचे आपको दिखेंगे टीसी लरेंद्र थारा, राइट हैंड बैट्समैन, लेफ्ट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर, लास्ट गेम में 4 ओवर डाल के 2 विकेट निकाले, उसके बाद 3 विकेट, दो मैच के अंदर 5 विकेट ये भी ले चुके हैं, तो इनका भी इंपॉर्टेंट रोल लेने वाला है, तो इनको भी आप जरूर ट्राई करिएगा। नसीब राय की बात करें, राइट आर्म मीडियम पेस बॉलर, लास्ट गेम में विकेट लेते, पहले गेम में 1 विकेट मिला, तो 2 मैच के अंदर सिर्फ 1 ही विकेट ले पाए, लेकिन 3-4 ओवर की बॉलिंग कर रहे हैं, तो एक अच्छी पिक आपके लिए रहने वाले हैं, सिलेक्शन भी कम है। अजय राय की बात करें, राइट आर्म मीडियम पेस बॉलर, अच्छे खासे विकेट निकाल रहे हैं, पहले गेम में 2 विकेट, लास्ट गेम में 2 विकेट, दो गेम के अंदर 4 विकेट है, तो मस्ट है पिक हो जाते हैं, इनको भूल के भी छोड़ने का रिस्क मत लीजिएगा, आपको 4 ओवर की बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे। नीचे देखेंगे दोस्तों जो इनका 11वां प्लेयर रहेगा लाल रिन लौटाऊंगा, राइट हैंड बैट्समैन ऑफ ब्रेक बॉलर, दो मैच के अंदर 6 ओवर डाल के 2 विकेट लिया हुआ है, जीएल में बहुत अच्छी चॉइस रहेगी, स्मॉल लीग को भी ले सकते हैं, ओवरऑल 10 गेम के अंदर 12 विकेट हैं। दोस्तों बेंच में कुछ प्लेयर हैं जो कोई खेल नहीं रहे, यदि इनमें से कोई भी प्लेयर लाइनअप में जुड़ेगा तो उनके स्टेट्स आप यहाँ से देख सकते हैं, फिर बेंच से कोई भी प्लेयर लाइनअप में आएगा तो उनके स्टेट्स मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा। तो दोस्तों अभी के लिए क्या टीम है, चलिए टीम देख लेते हैं, लेकिन फाइनल अपडेट टेलीग्राम पे आएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन फर्स्ट कमेंट में, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों इस मैच का टीम क्या है, चलिए हम टीम देखते हैं। दोस्तों बात करें विकेट कीपरिंग सेक्शन की, दोस्तों विकास कुमार के साथ जा रहा हूँ, बैटिंग सेक्शन में दोस्तों मैंने सी लालडेन सिंघा और ऐसे के लाल मेहता और ऐसे लालडेन सिंघा, और ऑलराउंडर सेक्शन दोस्तों मैंने पिक किया हुआ है एम लाल मंगैया और यहाँ से एम लाल हुराजेला और यहाँ से पिक किया हुआ मैंने लाल जुटलाऊंगा। बॉलिंग सेक्शन दोस्तों टी सी लरेंथरा, यहाँ से अजय राय, यहाँ से बी जोथन शंगा और बॉलिंग सेक्शन मैंने एक पिक किया हुआ है लाल हुराजेला। तो ये दोस्तों कुछ हमारे 11 प्लेयर हैं, कैप्टन दोस्तों मैंने पिक किया हुआ है यहाँ से एम हुराजेला, वाइस कैप्टन दोस्तों मेरे रहने वाले हैं लाल जुटलाऊंगा। तो दोस्तों ये हमारे सीबीसी हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन आपके पास जो बढ़िया ऑप्शन है आप जो ट्राई कर सकते हो, टीसी लरेंथरा एक अच्छे ऑप्शन, आप इनको जेल में सीबीसी ट्राई कर सकते हो, बाकी यहाँ से बीच जो तांगा को भी आप जेल के अंदर कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अभी के लिए मेरा ही टीम है, अभी के लिए मैं इसी टीम से कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर रहा हूँ, लेकिन आफ्टर टॉस इस टीम में हम कुछ भी चेंजेस करते हैं तो हमारा फाइनल टीम आफ्टर टॉस टेलीग्राम पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन फर्स्ट कमेंट में दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा लास्ट मैच अपडेट और फाइनल टीम के लिए। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।